हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। में हूँ आपका दोस्त यू मिश्रा और इसमें हम नोट्स आपको लिए पूरा दे रहे हैं आपके क्लास ट्वेल्थ की। हमारा क्लास ट्वेल्थ और इलेवेंथ और नाइन्थ और टेंथ, अब नाइन्थ का भी क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्लास एलेवेंथ का फिजिक्स है जो कि चैप्टर हमारा सेकेंड चल रहा है इसमें, और ये पार्ट टू वीडियो है आपके लिए। सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगे, आप वहाँ से जाके देख कर अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसमें हम लोग पार्ट टू में जानेंगे मूल मात्रक क्या होते हैं, माइक्रोन क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, इसके बारे में पूरी की पूरी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और चैनल पे अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्लास हमारा ये मेरे प्यारे बच्चों एलेवेंथ के लिए है। चलिए इसमें हम लोग का आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? तो वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। अगर मूल मात्रकों की कुल संख्या देखा जाए तो सात होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और मोल। अगर मूल मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? कुल सात है। क्या क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और मोल, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक के एग्जाम्पल जैसे क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड, ये हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक, क्षेत्रफल में देखें तो जो दो चीज़ पाई जाती है, लंबाई पाई जाती है और क्या पाई जाती है? चौड़ाई पाई जाती है। लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। और चौड़ाई को भी किस में मापा जाता है? मीटर में। तो इसके घाते किसी घाते जब आधार आधार समान होते हैं तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं तो मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा आपका आ जाएगा आयतन का व्युत्पन्न मात्रक। किसका आ जाएगा? आयतन का। अगर हम आयतन का व्युत्पन्न मात्रक देखें, व्युत्पन्न मात्रक, आयतन का व्युत्पन्न मात्रक देखिए तो क्या होता है? अगर आयतन का आप लोग जानेंगे तो आयतन में क्या क्या होता है? आयतन में आपका क्या क्या होता है? इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ऊंचाई होती है। आयतन में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? मीटर होती है। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और ऊंचाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हमारा अगर देखें तो ये मीटर, मीटर इसके घाते किसके घाते? किसके घाते जब आधार आधार समान तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे तो मीटर क्यूब हो गया। तो आयतन का मात्रक क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है मेरे प्यारे बच्चों माइक्रोन। क्या आता है? माइक्रोन। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करेंगे माइक्रोन। तो हेडिंग बना लीजिए माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन इसके बारे में जानेंगे। देखिए माइक्रोन क्या होता है? यह एक दूरी नापने का सबसे छोटा मात्रक होता है और इसके द्वारा हमारा क्या मापा जाता है? जीवाणुओं का आकार मापा जाता है। यह हमारा क्या होता है? माइक्रोन एक छोटी दूरी मापने का मात्रक होता है और इसके द्वारा जीवाणुओं का आकार मापा जाता है। और एक मीटर का 10 लाखवां भाग एक माइक्रोन कहलाता है। एक मीटर का कितना भाग? हमारा 10 लाखवां भाग एक माइक्रोन कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं यह दूरी मापने का छोटा मात्रक है। दूरी मापने का क्या है? छोटा मात्रक है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है? जिसके द्वारा जीवाणुओं का आकार मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जीवाणुओं का आकार। तो जीवाणुओं का आकार जो होता है, आकार मापा जाता है। तो जीवाणुओं का आकार किसके द्वारा जाता है मापा जाता है? वो हमारा माइक्रोन के द्वारा मापा जाता है। अगर बात करें कुछ स्टार पॉइंट में
तो एक मीटर का 10 लाखवां भाग, एक मीटर का 10 लाखवां भाग हमारा जो होता है एक माइक्रोन कहलाता है। एक मीटर का 10 लाखवां भाग एक माइक्रोन कहलाता है। तो माइक्रोन को हम जो दिखाते हैं, माइक्रोन को या फिर माइक्रोन को म्यू से दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस माइक्रोन को म्यू से दिखाते हैं। अगर एक माइक्रोन की बात करूँ तो एक माइक्रोन में होता है एक मीटर का कितना हो जाएगा? 10 लाखवां भाग। एक मीटर का 10 लाखवां भाग जो होता है वो हमारा एक क्या कहलाएगा? माइक्रोन कहलाता है। अगर यहाँ पे देखिए तो अगर इसको करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, नहीं, 1 μ = 1 m/10^6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये नीचे प्लस में, उधर लेके जाएंगे माइनस में, तो 1 μ = कितना हो जाएगा? 10^-6 m। तो इसका एक हमारा ये भी क्या होगा? फार्मूला निकल के आएगा। तो 1 μ में कितने होते हैं? 10^-6 m होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अगर देखें तो अगर इसको सेंटीमीटर में बदला जाए तो अगर हम जानते हैं कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 m/100 cm होते हैं। 1 m में कितने सेंटीमीटर? 100 cm। तो यहाँ पे रख देंगे, तो पुट कर दीजिए 1 μ = 10^-6 और 1 m के स्थान पे 100 cm, तो 100 cm। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है तो 10^-6 × 10^2, इसको करें कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका 10^-6 में से 2 गए क्या हो जाएगा? 10^-4 cm। तो 1 μ में कितना हो जाएगा? 10^-4 cm। तो ये भी हमारा फार्मूला है, रखिए, लिख लीजिएगा। अगर देखिए तो समीकरण इसको एक बना ले, समीकरण एक, फिर हम लेते हैं समीकरण एक से देखें तो ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा जो होता है 1 m में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 m में होता है 10^-3 किलोमीटर होता है, 10^-3 किलोमीटर होता है। तो इसको रख लीजिए यहीं पे, 1 m के स्थान पे जब हम रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? ये आपका यही होगा ना, हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 μ = 10^-6 × 10^-3 किलोमीटर हो जाएगा। और 10^-6 से 10^-3 करेंगे तो 10^-9 किलोमीटर। तो 1 μ में कितना हो जाएगा? 10^-9 किलोमीटर आपके यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो याद रखिएगा हमारा कि माइक्रोन क्या होता है, तो यह दूरी को मापने का सबसे छोटा मात्रक होता है जिसके द्वारा जीवाणुओं का आकार मापा जाता है, और 1 m का 10 लाखवां भाग 1 μ कहलाता है। माइक्रोन को म्यू से दिखाते हैं, और 1 μ = कितना होता है हमारा? 10^-6 m। 1 μ = कितना होता है? वो तो 10^-4 cm, और 1 μ = 10^-9 किलोमीटर। तो ये भी आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों एंगस्ट्रॉम, तो आप लिख लीजिए एंगस्ट्रॉम क्या होता है, लिख लीजिए यहाँ पे, हम हेडिंग डाल रहे हैं आपके लिए एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, लिख लीजिए यहाँ पे एंगस्ट्रॉम क्या होता है। एंगस्ट्रॉम, अब जानते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम क्या होता है। तो एंगस्ट्रॉम देखें, यह भी दूरी मापने का एक छोटा मात्रक, लेकिन इसमें माइक्रोन से भी छोटा मापा जाता है। इसमें क्या मापा जाता है? जैसे कि नाभिक की त्रिज्या, परमाणु आकार तथा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को मापे जाने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का उपयोग करते हैं। इसमें भी कह सकते हैं, अभी एक छोटी दूरी मापने का मात्रक है, उसमें मैं जीवाणुओं का आकार मापा जाता था, लेकिन इसमें हम क्या मापते हैं? उन जीवाणुओं की नाभिकीय त्रिज्या, परमाणु आकार तथा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। तो आप लिख सकते हैं यह एंगस्ट्रॉम दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक है। छोटा क्या है? मात्रक है। इसके द्वारा नाभिक की त्रिज्या
परमाणवीय आकार, परमाणु वी आकार, वी आकार एवं प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है, मापा जाता है। याद के रखना एंगस्ट्रॉम क्या होता है, द्रव्य दूरी मापने का एक सबसे छोटा मात्रक होता है। इसके द्वारा नाभिक की त्रिज्या, परमाणु आकार एवं प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, याद के रखना। अगर हम देखें कुछ स्टार पॉइंट में, तो स्टार पॉइंट की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, जैसे कि मैंने माइक्रोन में जाना था कि एक मीटर का 10 लाखवां भाग एक माइक्रोन कहलाता है, उसी प्रकार अगर हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो इसमें हमारे है कि एक मीटर का 10 अरहवां भाग एक एंगस्ट्रॉम कहलाता है। आप लिख सकते हैं एक मीटर का 10 अरहवां जो भाग होता है, भाग एक एंगस्ट्रॉम कहलाता है। एक मीटर का 10 एंगस्ट्रॉम जो 10 अरहवां भाग एक एंगस्ट्रॉम कहलाता है। अगर एक एंगस्ट्रॉम को देखें तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर एक मीटर बटे 10 अरहवां कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 4, 2 5, 10 हो गया। ठीक है ना, वह भाग, वह भाग, क्योंकि यहाँ पे 10 अरहवां है तो 10 जीरो होने चाहिए यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा, एक मीटर, और इसको मेरे प्यारे दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 के घात 10 हो जाएगा, नहीं अभी नीचे प्लस में, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा, 10 के घात -10 मीटर हमारा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने हो जाएंगे, हो गए हमारे 10 के घात -10 मीटर। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में 10 घात -10 मीटर होता है। इसको समीकरण एक बना लें, फिर समीकरण एक से देखें, समीकरण एक से देखें, तो मैंने अभी आपको उसमें बताया था कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 के घात 2 सेंटीमीटर, यही पर रख दीजिए, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा, 10 घात -10 × 10 के घात 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक एंगस्ट्रॉम में मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 10 घात -8 सेंटीमीटर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक और इसको ये बता सकते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में 10 घात -8 सेंटीमीटर भी होता है। अब फिर हम पुनः ले लेंगे समीकरण एक से, फिर हम कहाँ से ले लेंगे, समीकरण एक से ले लेंगे, समीकरण एक से ले लेंगे, तो आपको पता होगा एक मीटर में कितने होते हैं, 10 के घात -3 किलोमीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों, 10 घात -3 किलोमीटर होता है। अब इसको यहाँ पर रख देंगे तो 10 के 1 एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम हो जाए 10 घात -10 मीटर, और मीटर के स्थान पे 10 के घात -3 किलोमीटर, तो टोटल कितना, 10 के घात -13 किलोमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 के घात -13 किलोमीटर हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब लोग हम लोग का जो दूसरा आएगा वह आएगा कि एंगस्ट्रॉम तथा माइक्रोन में संबंध क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, एंगस्ट्रॉम तथा माइक्रोन में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड माइक्रोन में संबंध। ठीक है, आप इसको हेडिंग बना लीजिए, एंगस्ट्रॉम तथा माइक्रोन में संबंध। अब देखिए, हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वी नो दैट लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर लीजिएगा, वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, सॉरी -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम कितने होते हैं, 10 के घात -10 मीटर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 10⁻⁶ × 10⁻⁴ मीटर ऐसे लिख सकते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 10⁻⁶ है
और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10^-6 × 10^-4। क्यों? क्योंकि जब आधार आधार समान होते हैं तो गुणा में घाते आपस में जुड़ जाती हैं, तो 10^-6 × 10^-4 तो पूरा जाएगा 10^-10 हो जाएगा कि नहीं, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ओके चलिए लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, तो लिख सकते हैं। तो इतना हो जाएगा अब एक एंगस्ट्रॉम। और 10^-6 में कितना होता है, 10^-6 में अगर देखें तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10^-6 मीटर। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रोन हो जाएगा इंटू 10^-4 हो जाएगा, 10^-4 हो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 10^-6 मीटर के स्थान पे हम 1 माइक्रोन हम लिख सकते हैं, क्योंकि मीटर एक ही बार लिखा जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10^-4 माइक्रोन होता है। तो यहाँ पे एक हमारा ये रिलेशन निकल के आया कि एक जो एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10^-4 माइक्रोन होता है। अब देखिए ये यहाँ पे किस में है, ये यहाँ पे गुणा में है, कहाँ पे जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे निकल चला आएगा 1 माइक्रोन बराबर 1 एंगस्ट्रॉम / 10^-4 हो जाएगा। ये नीचे किस में है, माइनस में, ऊपर लेके जाएंगे किस में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में हो जाएगा। तो 1 10^-माइनस कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे प्लस से हो जाएगा, माइनस से क्या किस में जाएगा, प्लस में एंगस्ट्रॉम। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 माइक्रोन में कितना हो जाए, 10^-4 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे दो हमें फार्मूले मिले, एक हमारा क्या मिला, एक प्यारे दोस्तों ये मिला कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10^-4 माइक्रोन होता है और 1 माइक्रोन में 10^-4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हम लोग इस वीडियो में माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम तथा माइक्रोन एंगस्ट्रॉम के बीच संबंध को पढ़ लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा मैं आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में वॉच कर लीजिएगा।